विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान जाने का कार्यक्रम सामने आ गया है। नवजोत सिद्धू 9 नवंबर को सुबह 9 बजे करतारपुर कॉरिडोर के जरिए अकेले पाकिस्तान जाएंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में सर्वदलीय जत्था बाद में पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। सरकार के लाख प्रयत्नों के बाद भी करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने का पूरा श्रेय नवजोत सिद्धू को मिलता दिख रहा है। पंजाब में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने के लिए नवजोत सिद्धू और इमरान खान की तारीफ की गई है। पाकिस्तान में नवजोत सिद्धू के स्वागत की भी तैयारियां हो रही हैं। अमेरिका से आया सिख यात्रियों का जत्था फूलों की वर्षा करके नवजोत सिद्धू का स्वागत करेगा। दोस्तों, आज हम करतारपुर कॉरिडोर और नवजोत सिद्धू से जुड़ी इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नवजोत सिद्धू के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा गुरुवार को नवजोत सिद्धू को करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति दे दी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 9 नवंबर को सुबह 11 बजे करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। नवजोत सिद्धू 2 घंटे पहले सुबह 9 बजे अकेले करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान जाएंगे। गुरुद्वारा दरबार साहब में माथा टेकने और संगतों के साथ लंगर छकने के बाद शाम को ही नवजोत सिद्धू के वापस आने की योजना है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाला सर्वदलीय जत्था बाद में करतारपुर जाएगा। नवजोत सिद्धू अमृतसर ईस्ट विधानसभा हलके से विधायक हैं। अन्य विधायकों की तरह नवजोत सिद्धू को भी पंजाब सरकार ने सर्वदलीय जत्थे में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन नवजोत सिद्धू ने पंजाब सरकार के न्योते का कोई जवाब नहीं दिया। लोकसभा चुनाव के बाद से नवजोत सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच दूरियां बन गई हैं। उसके बाद से ही नवजोत सिद्धू न विधानसभा में गए हैं और न ही कांग्रेस की किसी बैठक में शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने का पूरा क्रेडिट नवजोत सिद्धू को मिलता दिखाई दे रहा है। पंजाब में आजकल सोशल मीडिया पर एक गीत वायरल हो रहा है जिसमें करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने के लिए नवजोत सिद्धू और इमरान खान की तारीफ की गई है। यह गीत पंजाबी पहनावे में दो लड़कियों द्वारा गाया गया है। इस गीत के बोल कुछ इस तरह हैं। इमरान खान ते सिद्धू दी रबा उम्र वधा देवी, जिन्हें कॉरिडोर खोल के दिता ननकाना वेखण नूं। पाकिस्तान में नवजोत सिद्धू के स्वागत की भी तैयारियां हो रही हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने बताया कि अमेरिका से आए सिख यात्रियों का जत्था फूलों की बारिश करके नवजोत सिद्धू का स्वागत करेगा। करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने के श्रेय के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि यह सब बाबे नानक की मेहर है। इधर भाजपा के सांसद राकेश सिन्हा ने नवजोत सिद्धू पर इमरान खान के हाथ का मोरा बनने के आरोप लगाए हैं। राकेश सिन्हा ने कहा कि नवजोत सिद्धू की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन देश की सुरक्षा के मामले में सभी को एक होना चाहिए। राकेश सिन्हा ने कहा कि नवजोत सिद्धू की इमरान खान से दोस्ती में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करता रहता है। धारा 370 के मामले में इमरान खान पूरी दुनिया में अकेले रह गए हैं। राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि इमरान खान नवजोत सिद्धू को मोरा बनाकर भारत विरोधी खेल रहे हैं। राकेश सिन्हा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी नवजोत सिद्धू की यात्रा पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। दोस्तों, करतारपुर कॉरिडोर से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको देते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।